नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, थंबनेल में आपने पढ़ा है कि तैयारी करने के मात्र 7 दिनों के बाद, तैयारी करने शुरू करने के मात्र 7 दिनों के अंदर ही ये पता चल जाता है कि कोई व्यक्ति पीसीएस बनेगा या नहीं बनेगा। दोस्तों, इस बात को मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ और इस बात को मैं समझाने के लिए मैं अपना ही उदाहरण लेना चाहता हूँ कि जब मैंने 12th पास करने के बाद इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए लखनऊ की सबसे बड़ी कोचिंग में एडमिशन लिया तो देखता हूँ कि मेरी क्लास में लगभग 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं और उन 300 स्टूडेंट्स में से 30-35 ऐसे स्टूडेंट हैं जो 10th के बाद ही उन्होंने तैयारी करना शुरू कर दी। उनके लेवल में और मेरे लेवल जो मेरे जैसे स्टूडेंट्स के लेवल में बहुत फ़र्क था। टीचर जो आते हैं, जिन्होंने पढ़ाना शुरू किया, उन्होंने उनके पुराने स्टूडेंट्स को ही रेफरेंस माना और उस लेवल से ही पढ़ाना शुरू किया। इस बात ने मेरे अंदर, पर्टिकुलर अगर मैं अपनी बात करता हूँ, तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी भर दी थी। मुझे लगता था कि यार ये स्टूडेंट कितने इंटेलिजेंट हैं, ये लोग ही सिलेक्शन पाएंगे और इनका ही होना चाहिए, मुझे तो बेसिक चीज़ें भी नहीं पता है। 10-15 दिन चलता रहा ऐसा। धीरे धीरे क्या हुआ कि मेरे अंदर उस कोचिंग जाने की इच्छा खत्म हो गई। मैं सोचता था कि यार क्या करूँगा कोचिंग जाके, जब मुझे कुछ समझ में नहीं आना है, जब सर ने पढ़ाना ही 5वीं मंजिल से है, मतलब 5th फ्लोर पर जाके पढ़ाएंगे और मैं तो ग्राउंड फ्लोर पे हूँ, मुझे बेसिक ही नहीं पता है और सर हाईफाई क्वेश्चन लगा रहे हैं तो मुझे समझ ही कुछ नहीं आएगा, तो मैं क्या करूँगा कोचिंग जाके वहाँ टाइम बर्बाद करके। उस समय तक मैं आधी फ़ीस पे कर चुका था, लेकिन आधी फ़ीस पे करने के बावजूद भी 15 दिन के बाद मैंने वो कोचिंग छोड़ दी और मैंने एक ट्यूटर को मैंने अपॉइंट किया। मैंने कहा सर मुझे पढ़ना है, मैं मुझे पता है पढ़ना कैसे है, लेकिन मेरी जो प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व कर देना। जब पहली बार मैं उनसे मिला और जब पहले क्लास मेरी हुई तो झिझकते झिझकते ही मैंने सर से पूछा, सर ये ज़ीरो क्या होता है? अब देखिए, मेरा पहला सवाल सर से क्या था कि सर ये ज़ीरो क्या होता है, ये अगर किसी चीज़ को हम ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या बनता है कैसे? और मुझे पता तो है, ठीक है, हमने रटा है कि इन्फिनिटी हो जाता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या मतलब है इसका, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? अब देखिए, बात यहाँ बहुत गहराई में समझने वाली बात है। ये जो सवाल था कि किसी चीज़, किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाता है, वो ये सवाल मैं उस बड़ी कोचिंग में नहीं पूछ सकता था, क्योंकि मुझे लगता था कि यार मैं इतनी छोटी सवाल में बात पूछूंगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे, लोग कहेंगे यार वाह देखो इसको इतनी बात नहीं आती, और ये चला है आईआईटी की तैयारी करने के लिए। उस कोचिंग ने मुझे हिम्मत नहीं दी। लेकिन जब मैं एक कमरे में अकेले में उन सर से बातें कर रहा था तो मैं सबसे पहले सवाल मैंने पूछा, सर कि मुझे ये बताइए कि ये ऐसा होता क्यों है? सर ने समझाया इस बात को और समझाया कि इन्फिनिटी को रियल नंबर नहीं है, इसको हम मैथमेटिकली ये बोलते हैं कि किसी नंबर को जब हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो अनडिफाइंड होता है, और ऐसे कई एक्सप्लेनेशन दी थी, अब मुझे याद भी नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से 15-20 मिनट लेके समझाया। बात यहाँ पर ये नहीं है कि कोई नंबर ज़ीरो डिवाइड करेगा मुझे इसका आंसर चाहिए था, बात यह है कि जो पहला डाउट था मेरे अंदर उस सब्जेक्ट को लेकर। मैथ्स की शुरुआत किससे होती है भाई? ज़ीरो से शुरू होता है मैथ्स, ठीक है ना? अगर आपको ज़ीरो का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा तो आप बाद में कैलकुलेशन कैसे करोगे? पहले दिन जाके मैंने वो ज़ीरो का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की, पहला डाउट क्लियर करने की कोशिश की, और जब वो पहला डाउट क्लियर हो गया तो धीरे धीरे जो मेरा इंटरेस्ट है सब्जेक्ट में बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि मैंने पहला अपना हर्डल, जो मैंने अपनी पहली समस्या मैंने सॉल्व कर ली थी। दोस्तों, यही चीज़ होती है जब लोग ज्वाइन करते हैं, रोज़ मेरे पास स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं, रोज़ आते हैं और लोग हर दिन एडमिशन होते हैं, और जैसे ही एडमिशन होता है फीस पे करते हैं उनको मैं अपने ग्रुप में ऐड करता हूँ तो मैं उन पर एक तरह से नज़र रखता हूँ कि कर क्या रही है। ठीक है, लेक्चर्स जाते हैं, सब जाते हैं, जो लेक्चर्स है, वीडियो लेक्चर्स है, PDF है, टेस्ट जाता है, सब कुछ मटेरियल जा रहा होता है, लेकिन जो नया बंदा होता है उस पे मेरी एक नज़र रहती है कि ये कर क्या रहा है। मैं ये देखने की कोशिश करता हूँ कि क्या इसको प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं हो रही है। देखिए, कितना बढ़िया, दुनिया का कितना बढ़िया भी टीचर क्यों ना हो जाए, वो अपना लेक्चर देगा तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि जो स्टूडेंट है, जो सीरियस स्टूडेंट है, उसको प्रॉब्लम ना आए, ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं कितना अच्छा भी लेक्चर पढ़ा दूं, मैं कितना अच्छा भी मटेरियल क्यों ना दे दूं, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट सचमुच, अगर वो सीरियस है, वो सचमुच मेहनत कर रहा है, तो उसको दिक्कत आएगी ही आएगी, ये एक फैक्ट है। अब क्या होता है कि जब नया बंदा स्टूडेंट ज्वाइन करता है और उसको अगर दिक्कत आ गई, अगर विद इन 7 डेज में उसने मुझे फ़ोन करके पूछा, सर ये समझ नहीं आ रहा है क्या है, ये आपने ये बोला था ठीक है लेकिन मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है, आपने पॉलिटी पढ़ा रहे हो लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये संविधान है क्या चीज़, ये
आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा दिए, डीपीएसपी पढ़ा दी, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ा दी, लेकिन ये मुझे संविधान का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है कि संविधान लिखा क्यों गया है। कहने मतलब है कि ये क्या बेसिक सवाल जो हमारे दिमाग में आता है, क्या हम उसको पूछ रहे हैं? क्या हमारे दिमाग में आ रही, दिमाग में तभी आएगा जब सचमुच आप उस सब्जेक्ट को लेकर अपनी तैयारी को लेकर सीरियस हो गए। जिस दिन कोई स्टूडेंट मुझसे पहला अपना डाउट पूछ लेता है, मैं समझ जाता हूँ कि ये बंदा रुकेगा, अब ये बंदा पढ़ेगा। बात पैसे की नहीं होती है, मेरी फीस तो 500 रुपया है। आप 5 लाख रुपये भी देते हो ना जाके वहाँ पे दिल्ली में जाके 2 लाख रुपये देते हो और 3-4 लाख रुपये रहने के खर्चा करते हो, उसके बावजूद भी आपके ना डाउट्स नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि आप सीरियस नहीं होते हो। बात पैसे की है ही नहीं, कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि जब जो स्टूडेंट सचमुच सीरियस होता है तो उसको डाउट्स आएंगे ही आएंगे। जब कोई स्टूडेंट ज्वाइन करता है मुझे तो मैं नज़र रखता हूँ कि क्या वो मुझसे डाउट पूछ रहा है। जब वो डाउट पूछता है तो मैं समझ जाता हूँ कि ये बंदा रुकेगा, ये बंदा पढ़ेगा और ये बंदा एक दिन सफल जरूर होगा। तो विद इन 7 डेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासकर शुरू के 10-15 दिन। मुझे लगता है कि पर्सनली मुझे लगता है कि 15-20 दिन, शुरू के 10-15 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक नई चीज़ शुरू करने जा रहे होते हो आप। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आप साइंस के स्टूडेंट हो आप, ठीक है, और आपने साइंस में पढ़ाए, आपने मैथ से बीएससी किया, इंजीनियरिंग कर ली, जो भी किया आपने, और कभी भी आपने पॉलिटी नहीं पढ़ी आपने, हमें कभी पॉलिटी नहीं पढ़ी, और पहला ही लेक्चर आपका पॉलिटी का आता है, तो जो शुरू के जो 2-3 लेक्चर्स होते हैं ना, शुरू के जो 2-3 दिन होते हैं, सबसे मुश्किल वाले दिन होते हैं और सबसे क्रूशल भी होते हैं, सबसे डिसाइसिव भी होते हैं, क्योंकि यही डिसाइड करते हैं कि आप पीसीएस बनोगे नहीं बनोगे। क्योंकि जब पहले दूसरे तीसरे दिन लेक्चर पढ़ते हो और जब आपको पढ़ने के बाद लेक्चर सुनने के बाद समझ में नहीं आता ना, उसके बाद आप जो फैसला लेते हो कि आपको रुकना है कि जाना है, वही डिसाइड करता है कि आपको पीसीएस अधिकारी बनोगे या नहीं बनोगे। जो लोग कहते हैं नहीं ठीक है, भले ही समझ में नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन मैं रुकूंगा और हर अपनी छोटी छोटी बात को मैं सॉल्व करते हुए जाऊंगा और सॉल्व पूछते जाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, तो 100% एक दिन पीसीएस बन जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं यार मेरे बस की बात नहीं है, यार मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मेरे बस की बात नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है वो छोड़ देगा। तो शुरू का जो 1 हफ्ता होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मुझे सबसे ज़्यादा चिंता स्टूडेंट को लेकर पहले हफ्ते की होती है। मुझे पता है कि पहला हफ्ता अगर उसने निकाल दिया, पहले हफ्ते में उसने डाउट पूछ लिया, पहले हफ्ते में उसने जो स्टूपिड से सवाल होते हैं, स्टूपिड से जो महा कहते ना, उसको लगेगा कि मैं उस सवाल को सोचने पर ही मुझे हंसी आ जाए कि यार क्या हो यार, मैं ऐसे सवाल पूछ सकता हूँ? जैसे मैंने कहा कि जीरो क्या होता है, एक 12th पास बच्चे के लिए ये सवाल पूछना कि जीरो क्या होता है, अपने आप में एक कहते ना कि स्टुपिडिटी लगती है, लेकिन वो स्टुपिडिटी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि वो स्टुपिडिटी एक्चुअली हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारे स्कूल सिस्टम में हमें डाउट्स क्लियर करना नहीं सिखाया है, हमें रटना और नंबर लाना सिखाया है, लेकिन हमें डाउट्स क्लियर करना नहीं सिखाया है, ठीक है। तो वो डाउट्स हमारे दिमाग में हमेशा रहते हैं, लेकिन जो बंदा स्टुपिड बन के अपना मजाक उड़ा के भी अगर सवाल पूछ लेता है तो यकीन मानिए कि वो रुक जाता है। तो पहला हफ्ता यही डिसाइड करता है कि आप कोई नया सब्जेक्ट पढ़ते हो, उसमें आपके डाउट्स आते हैं, और आपने डाउट्स अगर पूछ लिए तो आप यकीन मानिए कि आप फिर पीसीएस बन के ही रहोगे। लेकिन 1 हफ्ते के अंदर अगर आपने डाउट्स नहीं पूछे तो मैं समझ जाता हूँ कि आप फिर नहीं रुकोगे। ये वीडियो है, मेरे वाले स्टूडेंट भी देख रहे होंगे जो रजिस्टर्ड हैं, और जो नए जो लोग नए हैं जो यूट्यूब पर हैं वो भी देख रहे होंगे। तो मैं दोनों से कहना चाहूँगा कि पहला जो हफ्ता होता है अब तैयारी का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पहले हफ्ते में अपने डाउट्स को, अपने डर को, अपनी शर्म को कंट्रोल कर लिया, अपनी स्टुपिडिटी को एक्सेप्ट कर लिया, तो लिख के देता हूँ मैं आपको कि आप 100% पीसीएस बन जाओगे। अपने डाउट्स को क्लियर करते रहिए, क्योंकि ये ना कि जो इस सफलता नामी सफलता तभी मिलेगी जब आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ोगे। तो जो सीढ़ी का सबसे पहला जो डंडा होता है ना, आप सोचो कि डंडे पर रख के कैसे ऊपर चढ़ सकता हूँ पैर, एक डंडे पर सीढ़ी के डंडे पर पैर रख के कैसे, लेकिन वो डंडा नहीं होता है, वो डाउट क्लियर करने का होता है। क्योंकि वो डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे तो आप 100% सफलता प्राप्त कर लोगे। तो सबसे स्टूपिड सवाल आपके मन में जो आता है वो पूछो, क्योंकि ये आपके डाउट्स का जो कहते हैं ना कि आपकी जो क्रिएटिविटी है, जो आपकी जो इंटरेस्ट है, उसके दरवाजे खोल देगा। और एक बार जब खुल जाएगा सब कुछ आसान हो जाएगा। पीसीएस आईएएस बहुत आसान है, बस हम लोग ये एक्सेप्ट कर लें कि हाँ भाई हम स्टूपिड हैं। कहते ना जैसे महान आदमी रहे हैं स्टीव जॉब्स, एप्पल के फाउंडर, बहुत फेमस उनका एक 2 शब्द हैं जिसमें लिखा है स्टे हंग्री स्टे फुलिश। ये इन्होंने एक लेक्चर दिया था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, अभी भी यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छा लेक्चर है वो, 2005 में दिया था, तो वो सुनिएगा, इंग्लिश में है वैसे तो, लेकिन इसमें बहुत अच्छी बात की कि स्टे हंग्री स्टे फुलिश। जितना आप अपने आप को बेवकूफ़ समझोगे, मतलब जितना आप
डाउट्स में रहोगे कि हाँ यार अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने की, छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व कराने की कोशिश करते रहोगे, आप उतना आगे बढ़ते जाओगे। क्योंकि कहते ना कि अच्छा है कि दो मिनट का बेवकूफ़ बन जाने, अच्छा है कि ज़िंदगी भर बेवकूफ़ रहो, इससे अच्छा कि आप दो मिनट सवाल पूछ के कह दो कि हाँ भाई ठीक है सर मुझे नहीं आता, मुझे नहीं पता ज़ीरो क्या चीज़ होती है। लेकिन एक बार डाउट क्यों, क्या हुआ कि मैं NITSC कॉलेज से सिलेक्शन पाया मैंने, फिर मैं वहाँ पे आके मैंने इंजीनियरिंग की है। अगर मैं पहले दिन अगर मैं ये बोलता कि नहीं ज़ीरो तो मैं पूछ नहीं सकता, तो शायद मैं कभी इतने बड़े कॉलेज में ना पहुँच पाता। तो आपके लिए भी है, जिस दिन आप पहला सवाल पूछते हो ना, पहला डाउट पूछते हो, बस आप समझो आप अपनी जो पीसेस बनने के रास्ते की तरफ अग्रसर हो जाते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मैं जो कहना चाहता था वो मैंने बता दिया, कई बार मैंने रिपीट भी कई बातें, लेकिन बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप सवाल पूछते रहो, अपने डाउट क्लियर करते रहो, चीज़ें आसान हैं, सब कुछ पॉसिबल है। बाकी दोस्तों UP PCS की अगर आप तैयारी करना चाहते हो, इसी तरह के डाउट्स को आप क्लियर करते हुए PCS की तैयारी करना चाहते हो, तो एक ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करते हैं UP PCS के लिए। वो 2019 का कोर्स है, प्री के लिए पढ़ाया जा रहा है, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल मिलेगा और आपके ऑनलाइन टेस्ट हो जाते हैं। इसकी जो फीस है मात्र 500 रुपीज़ पर मंथ की फीस है। 1 मई से नया बैच स्टार्ट किया गया है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स की जानकारी के लिए आप मुझे 8317040152 पे कॉल करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये कोई और दिक्कत भी हो, कुछ और प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।